नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो डायबिटीज़ है वो किस लिए होता है और इंसुलिन क्या है और डायबिटीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में आज तक लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ जो पेशेंट है, इस बीमारी का कोई भी एज नहीं है। 20 साल ऊपर के आपको हो सकता है, 30 साल को उम्र के लोगों को हो सकता है, 50 साल, 40 साल, 60 साल, कोई भी उम्र का ये बीमारी हो सकता है। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मतलब है ताकि आप लोगों को सही जानकारी मैं दे सकूं। दोस्तों, इंसुलिन नामक हार्मोन का हमारा शरीर में क्या भूमिका है? जब हम खाना खाते हैं तब हमारा शरीर में इस खाने को ग्लूकोज यानी शुगर में तोड़ता है, जिसके फिर शरीर को कोशिकाओं के सेक लेती है। इसी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। इस क्रिया को सही चलाने के लिए ज़रूरत होता है हमारे पैनक्रियास समय समय पर इंसुलिन हार्मोन बनाए, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, ये जो कोशिकाएं हैं, दोस्तों ये जो इंसुलिन है, एक हमारा हार्मोन होता है जो हमारा शरीर में जो पानक्रिया से निकलता है, ये हमारा शरीर में बनाना थोड़ा कम हो जाने पर हमारा शुगर के लेवल, दोस्तों हार्मोन बनाने के ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने में मदद करता है ताकि वो ऊर्जा बना सके। सोचने वाली बात है कि डायबिटीज़ के कारण कैसे बार बार पेशाब आता है। इसके लिए हम यह समझना होगा कि हमारा किडनीस काम कैसे करता है। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह गूगल के सर्च करके मैं देखे बना रहा हूँ। हर किसी को ये बात मालूम हो सकता है, पर किस बहुत सारे लोग हैं इसको आप किसी को भी मालूम नहीं है कि इंसुलिन क्या होता है, पेशाब क्यों लगता है। आप गूगल को सर्च मार कर आप जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ होने पर लोग बोलते हैं कि मीठा कम खाओ, उससे डायबिटीज़ नहीं होगा। वो गलत बात है। हमारा इंसुलिन एक हार्मोन है, वो कम होने से हमारा शरीर में डायबिटीज़ का जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह मेरा वीडियो को देखने के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।